हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ जो कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं लूँगी लूँगी, और इतने दिनों से मेरे पास 2 बार मैंने मंगवाया, 2 ही बार कैंसिल हो गया, और फाइनली आज मैं लेके आ ही गई हूँ। तो वो मैंने मार्केट से ख़रीदा है, ना कि मैंने ऑनलाइन से। तो चलिए दिखाती हूँ क्या है वो चीज़। तो एक मिनट, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा वो चीज़, और कितना महंगा है और कितना सस्ता है ये आपको मैं अभी पूरी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। साथ में मैंने ब्लॉग भी बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आपके साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं इसके साथ ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो ट्राईपोड तो है नहीं है। ठीक है, तो जो मेरा ट्राईपोड है वो टूट गया है, वो मैंने पहले भी आपको दिखाया है। तो चलिए तो चलिए मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ, और अपनी मतलब ट्राइपॉड को ओपन करके दिखाती हूँ, और कितना लंबा है कितना नहीं, कितना महंगा है कितना सस्ता है वो भी आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए बैक कैमरा करके दिखा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरा ट्राइपॉड, तो मैं ओपन करके अभी दिखाती हूँ। ये रहा, और ये बॉक्स है, बॉक्स का मैं परिचय बाद में दूंगी। तो चलिए पहले मैं इसका जो है ना रिव्यू करवा देती हूँ आप लोगों को। तो ऐसे मैं सोच रही थी कि मैं सीधा स्टार्ट कर लूँ, लेकिन आपको काफी दिनों से बोल रही थी लाइव पे कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया टूट गया। तो ये देखिए, टेंटेड कितना प्यारा है ना मेरा ट्राइपॉड, और मुझे अच्छा लगा। और इसका प्राइस मैं एंड में बताऊंगी, पहले नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो जिन लोगों के पास ये ट्राइपॉड होगा तो उनको पता होगा कि ये कितना महंगा है और कितना सस्ता है। तो चलिए पहले मैं इसको अभी फर्स्ट टाइम है मेरा भी, तो ओपन करके दिखाती हूँ मैं। ठीक है, ये मेटल एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, यहाँ तक मेरे को पता है ये एल्युमिनियम का होता है। तो भाई स्ट्रॉन्ग की बात करूँ तो चीज़ कोई भी है संभाल के चलानी पड़ती है। ठीक है, तो अभी इसको ओपन करते हैं। जस्ट मुझे अभी थोड़ा सा इसका नॉलेज कम है। ठीक है, तो हाँ यहाँ से खाया। हाँ ये देखिए, ये हो गया। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे लॉक कर देते हैं, फिर से ऐसे लॉक हो जाता है ये। तो बहुत केयरिंग वाली चीज़ है ये भी। ठीक है, तो मुझे पता है सबके पास होगा ये ट्राइपॉड। तो इस तरह से लॉक, अभी ये वाला है। ठीक है, इस तरह से ओपन, ज्यादा जोर से भी प्रेस नहीं करना चाहिए इसको, धीरे से। ये देखिए लॉक हो गया। अभी इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, काफी बड़ा है। अभी मेरे को कुछ भी करूंगी मैं, चाहे शूट का ब्लॉग भी बनाऊं, चाहे बैठ के खड़े होके, और मेरा ब्लॉग काफी अच्छा बनने वाला है अभी। ठीक है, तो अभी पहले इसको कर लूँ ओपन, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, तो मुझे पता कम चल रहा है थोड़ा सा। तो ये देखिए इस तरह से ओपन हो जाता है ये, जितना मर्जी लंबा कर लो, तो कम से कम 4-5 फुट तो है ही है ये, बस इतना ही होगा। ठीक है, तो इतना काफी है फ्रेंड्स मेरे लिए। मैंने जब लिया था तब मैंने पूरा देखा था कि ये कितने साइज का है, और मैं यहाँ पे दिख सकती हूँ या नहीं। तो ये देखिए, अगर आपको ऐसे लगता है कि थोड़ा सा कम है तो नीचे आप कुछ रख के भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफी है। ठीक है, हमारे ब्लॉग के लिए काफी है। हमारा जो हाउस वाइफ का काम होता है वो ज्यादातर बैठ के ही काम होता है। तो ये देखिए, बाकी इसकी जो फैसिलिटी है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ टर्न कहीं कहीं भी कर लो, बैक बैक फ्रंट कहीं से कहीं भी कर लोगे हो जाएगा ये। तो ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, जहाँ तक मेरे को पता है इधर भी हो जाता है फ्रेंड्स, इस तरफ भी हो जाता है, इस तरफ भी हो जाता है। ठीक है, और इसको यहाँ पे आप टाइट कर सकते हैं, जब आप यहाँ पे लगा दोगे ना। तो फ्रेंड्स ये वाला जो है, ये जो फोन का हैंड होल्डर होता है ना, फोन का वो वाला है ये। तो इसको उन्होंने बोला था कि इस तरह से स्टिच करना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था। तो अभी चलिए आपके सामने ही कर देती हूँ। ठीक है, उल्टा लग जाएगा तो सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको इस तरह से देखिए, एकदम मस्त है। तो इसको टाइट टाइटली भी कर सकते हैं आप, ये टाइट टाइट ही टाइट है, ये कुछ नहीं होगा इसको नहीं। तो आप देखिए इसको इस तरह से भी कर सकते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे मर्जी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको टाइट कर सकते हैं। ये चीज करूंगी। ठीक है, ये हो गया सीधा। ठीक है, इसको मैं यहीं पे टाइट कर दूंगी, ये बस टाइट हो गया। और ये है ना नीचे, ये भी है, होल्डर ही होता है, मतलब इसको टाइट करने के लिए नट है ये। ये देखिए मैंने टाइटली कर दिया इसको नट, और अभी आप नीचे करना चाहते हैं इसको नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर ऊपर नीचे जहाँ भी करो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं नीचे कर रही हूँ, फोन को लगाकर नीचे कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो आप बताइएगा कि मेरा ट्राइपॉड कैसा है। ठीक है, और है तो बहुत ही केयरफुल वाली चीज है ये,
मेरे को तो अच्छा लगा, आप बताइएगा कैसा कैसा है और कैसा नहीं। तो चलिए इसको छोड़ते हैं और मैं आपको अभी डिब्बे के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो ये है सेल फोन स्लिप इंक्लूडेड और फॉर फोटो वीडियो एंड डिजिटल कैमरा, ठीक है। इसमें शायद कैमरा भी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये चल रहा है। सिंपैक्स तो फ्रेंड्स ये किस कंपनी का है ये आपको दिख रहा होगा, सिंपेक्स फोटो एंड वीडियो, ये सिंपेक्स कंपनी का है। सिंपेक्स 333 का है ये ट्राइपोड, ठीक है। तो ये देखिए मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अब इसकी सिक्स प्राइस की बात करते हैं, तो एक्सटेंड इसकी हाइट जो है 135 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लोज हाइट 53 सेंटीमीटर और वेट इसका जो है 88 kg, मतलब 0.88 kg, क्योंकि 1 kg से भी कम, ठीक है। तो चलिए इसकी आपको प्राइस बता देती हूँ। प्राइस इसका है सिर्फ 750, ठीक है। तो मेरे को ये परचेस हुआ है सिर्फ 700 का। तो महंगा है सस्ता है ये मुझे नहीं पता, आप बताइएगा क्या मेरे को महंगा मिला। तो मैंने जैसे ऑनलाइन पे देखा था वहाँ पे 650 का मिल रहा था, तो चलिए कोई बात नहीं, 50 ही उन्होंने जो है मेरे से ज़्यादा परचेस किए हैं पैसे, तो कोई बात नहीं। तो मेरे को ये मिल गया टाइम का, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, ना तो मेरा ब्लॉग बन पा रहा था ना कुछ। तो आज से मैं आपके लिए ब्लॉग भी अच्छे अच्छे लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा ट्राइपोड आ गया है। और आप बताइएगा अभी मेरे को कमेंट में कि मेरा जो ट्राइपोड है वो कैसा है कैसा नहीं है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।